एवरीवन, योगफुलनेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है तनु, मैं हूँ एक सर्टिफाइड योगा टीचर। आज की वीडियो में हम करेंगे जेंटल योगा फॉर एल्डरली पीपल, बुजुर्गों के लिए योगा पार्ट टू, और हम इसे करेंगे बेड पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप इसे सिंगल या डबल बेड किसी पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ओम चांट। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, क्रॉस लेग्स, लेग्स ओपन, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको बैक का सपोर्ट चाहिए तो आप बैक के सपोर्ट से भी बैठ सकते हैं। आंखों को धीरे से बंद करेंगे, दोनों हाथ को नमस्ते पोजीशन में लेकर आएंगे। अपना ध्यान अपनी श्वास की तरफ लेकर जाएंगे। अब तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए ओ। हाथों को नीचे, धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। अब हम सबसे पहले करेंगे शोल्डर एंड नेक के रोटेशन। शोल्डर्स को सामने, ऊपर, पीछे, नीचे लेकर जाएंगे। फिर से दो बार करेंगे, शोल्डर्स फॉरवर्ड, अप, बैक, डाउन, फॉरवर्ड, अप, बैक, डाउन, शोल्डर्स बैक, अप, फॉरवर्ड, down, back, up, forward, down, back, up, forward, down. Turn your head right, left, right, left, set. Chin ko chest ki taraf le jayenge. सर को धीरे से ऊपर और पीछे लेकर जाएंगे, जितना भी आप कंफर्टेबली ले जा सके। फिर से सर को नीचे लेकर आएंगे, चिन को चेस्ट पर टिकाएंगे। एक बार फिर धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब नेक रोटेशन करेंगे, नेक को राइट, बैक, लेफ्ट, डाउन, लेफ्ट, बैक, right, down, right, back, left, down, left, back, right, down. सेंटर में आ जाएंगे। अगर आप पूरा नेक रोटेट नहीं कर सकते तो आप सेमी सर्कल बना सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। सो अब हम करेंगे हाथों की एक्सरसाइज। दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, वापस चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। इसमें फिंगर्स, आर्म्स, शोल्डर्स स्ट्रेच होंगे। वापस चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे, लास्ट टाइम स्ट्रेच योर आर्म्स। अब दोनों हाथों की रिस्ट को रोटेट करते हुए पाम्स को सामने की तरफ, हथेलियों को सामने की तरफ खोलेंगे। सेट। अब दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अब दोनों हाथ राइट साइड और आप देखेंगे ऊपर लेफ्ट साइड। यहाँ पे कुछ श्वास के लिए रुकेंगे, बीच में आ जाएंगे, फिर दूसरी तरफ बीच में आ जाएंगे। धीरे से पीछे की तरफ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ नीचे, जितना भी आप कंफर्टेबली झुक सकते हैं। अगर आपके हाथ नीचे नहीं पहुंच रहे तो आप
पिलो या किसी कुशन का यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे जितना भी कंफर्टेबल हो आप अपने फॉरहेड को नीचे ले जाएं। उंगलियां खुली हुई, नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। दोनों हाथों को की उंगलियों को या हथेलियों को हिप्स के पास में रखेंगे। चेस्ट को सामने की तरफ खोलते हुए सिर को पीछे और जेंटल बैकवर्ड स्ट्रेच देंगे। सेट में आ जाएंगे। अब हम करेंगे साइड स्ट्रेच। सीधे बैठ जाए। लेफ्ट हैंड को बेड पे रखेंगे, राइट हैंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और लेफ्ट साइड जाएंगे, सिर को ऊपर देखेंगे। इससे साइड बॉडी को स्ट्रेच मिलेगा, जितना भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। यहाँ 3 से 5 गहरी श्वास लेंगे। बीच में आ जाएंगे, दोनों हाथ खोलेंगे फिर दूसरी तरफ। दोनों हाथों को नीज पे रखेंगे, चेस्ट ओपन। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड बैक कमर के पीछे लेकर जाएंगे और धीरे से पीछे की तरफ मुड़ेंगे, जितना भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। यहाँ पे भी 3 से 5 गहरी श्वास लेंगे। सेंटर में आ जाएंगे। सेम इसी तरह दूसरे साइड करेंगे। तीन से पांच गहरी श्वास लेंगे। सेंटर में आ जाएंगे। जहां भी आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, वहां आप रुक के वापस अपना ध्यान अपनी ब्रेथ की तरफ लेकर आएंगे और आप किसी भी आसन में खुद को फोर्स नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। अब दोनों पैर सामने की तरफ खोल देंगे और पैरों को लूज करेंगे। दोनों पैरों से धीरे धीरे सर्कल बनाएंगे। उल्टा घुमाएंगे दूसरी तरफ। टोस को अंदर की तरफ खींचेंगे, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर। अब दोनों पैरों को साइड में खोलेंगे। सेंटर में आ जाएंगे, कमर सीधा। अब हम अपनी नीज को स्क्वीज करेंगे, प्रेस। अब बैक ऑफ नीज को प्रेस करेंगे, घुटनों के पीछे के हिस्से को प्रेस करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। अब राइट लेग को फोल्ड करेंगे और पेट की तरफ प्रेस करेंगे, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। एक बार फिर से करेंगे, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। फिर से कमर को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के पास में लेकर आएंगे, पैर सीधे, टोस ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ। इनहेल, एक्सहेल करते हुए सामने जाएंगे और अपने टोस को टच करने को ट्राई करेंगे। इनहेल, पीछे आ जाएंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे,
एक्सेल करें। दोनों हाथों को चेस्ट के साथ में लेकर जाएंगे कमर सीधे, टोज सामने ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ खुले हुए। अब दोनों हाथों को टोज की तरफ लेके जाएंगे सांस छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे। अभी अगर आप टोज को टच कर सकते हैं तो टोज को टच करेंगे, नहीं कर सकते तो अपने दोनों हाथों को शिन बोन पे रखेंगे, कमर सीधी करते हुए सामने की तरफ झुकने को ट्राई करेंगे जितना भी आप कंफर्टेबली झुक सकते हैं। और यहाँ कुछ ब्रेथ्स के लिए रुकेंगे। यहाँ आप पिलो या कुशन का यूज कर सकते हैं, उसे यहाँ पे अपना सिर, अपना फॉरहेड नीचे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ कुछ ब्रेथ्स के लिए रुकेंगे, 5 to 10 ब्रेथ्स। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज, जो कि सभी जानते हैं और बहुत ही इजी और बेनिफिशियल पोज है। तो अपने दोनों पैरों के को मिला देंगे और हाथों से अगर पॉसिबल है तो पकड़ेंगे और हिप्स को मूवमेंट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट देंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और स्ट्रेच को फील करेंगे। अपना ध्यान अपनी श्वास पे लेकर जाए जितना भी पॉसिबल हो सके। धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। फिर से हम सामने की तरफ झुकेंगे। आप बिना पिलो के और पिलो रख के भी सामने आ सकते हैं। तीन से पांच श्वास लेंगे यहाँ पे और धीरे से ऊपर आ जाएंगे। दोनों घुटनों को मिला देंगे और अपने पैरों को हग करेंगे। बैक स्ट्रेट, पवन मुक्तासन, और धीरे से फॉरहेड को अपने घुटनों पे लगाएंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। स्लोली ऊपर आ जाएंगे, पैर नीचे सामने की तरफ खोल देंगे। फिंगर टिप्स को या हथेलियों को दोनों को नीचे रखेंगे। फिर से एक बार जेंटल बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे। अब हम अपने दोनों पैरों को वाइड पार्ट करेंगे, जितना भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। कमर को जितना पॉसिबल हो उतना स्ट्रेट करें। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अभी लेफ्ट हैंड को कमर पे रखें, राइट हैंड को लेफ्ट लेग या टोस शिन जहां भी आप पहुंच सके वहां पे होल्ड करें। फॉरहेड को घुटने की तरफ लगाएं, यहाँ पे 3 to 5 ब्रेथ्स लें। ऊपर आ जाएं। अब दूसरी तरफ करेंगे, धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अगर ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको कंटिन्यूस 10 टाइम 5 टाइम ईच दोनों साइड कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9
आ जाएंगे। अगेन आप पिलो यूज कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करके सामने की तरफ झुकेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बिना पिलो के भी आप पूरा नीचे आ जाएंगे, चेस्ट को नीचे बेड पे फॉर इट डाउन। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो दोनों हाथों को से अपने टोस को पकड़। धीरे से ऊपर आ जाए कमर से भी। अब इसमें ही हम करेंगे साइड स्ट्रेच परिवर्त जाने शीर्षासन। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, कमर सीधी बैक स्ट्रेट, राइट आर्म ओपन करेंगे और लेफ्ट साइड जाएंगे जितना भी कंफर्टेबली आप जा सकते हैं और ऊपर की तरफ देखेंगे। सेंटर, ऐसे ही सेम दूसरी साइड करेंगे। राइट पैर को राइट साइड में खोलेंगे, लेफ्ट पैर को राइट थाई पे लगाएंगे, कमर सीधी करेंगे, दोनों हाथ ओपन और जहां भी आप कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं लेफ्ट हैंड खोलते हुए राइट साइड जाएंगे और यहां 3 to 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे। स्लोली पोज से बाहर आ जाएंगे। अब हम करेंगे गौमुखासना। सो हमारा लेफ्ट लेग फोल्डेड है, इसके ऊपर हम फोल्ड करेंगे राइट लेग। अगर आप कंफर्टेबली कर सकते हैं नहीं तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सो दोनों नीज पैरेलल, काओ के फेस की शेप में। अब मैं आपको हाथ दिखा दूं पीछे की तरफ से। राइट हैंड को ऊपर लेंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे और दोनों हाथों से पिलर्स को इंटरलॉक करेंगे। कमर, गर्दन, सिर सीधा रहेगा। अगर आपके हाथ दोनों साथ में नहीं पहुंच रहे हैं तो आप एक हैंड टॉवल या दुपट्टा या किसी बेल्ट का यूज कर सकते हैं। और धीरे धीरे इसको पास में, हाथों को पास में ला सकते हैं। सेम ऐसे ही हम करेंगे लेफ्ट साइड। अब अपने लेफ्ट लेग को ऊपर करेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, राइट हैंड और दोनों हाथ से पकड़ेंगे, कमर, सिर, गर्दन सीधा, अपना ध्यान अपनी ब्रेथ की तरफ। धीरे से पोज से बाहर आ जाए। कुछ आसन जो हम बेड पे लेट कर कर सकते हैं। सो बेड पर कंफर्टेबली लेट जाएं, अपना ध्यान अपने स्वास्थ्य की तरफ केंद्रित करें, दोनों पैरों को साथ में मिलाते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और टोस को नीचे। धीरे से रिलीज करें हाथों को बॉडी के साइड में, लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, राइट लेग को उठाएं जितना भी आप कंफर्टेबल उठा सकते हैं और यहां पर कुछ ब्रेथ्स के लिए रुकेंगे। धीरे से नीचे आ जाएंगे और पोजीशन चेंज करेंगे अदर साइड। तो यहाँ आप में जितना स्टैमिना है, जितना एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं आप उतना कर सकते हैं। दोनों पैर नीचे, एक बार फिर से देखेंगे, राइट लेग ऊपर और राइट लेग के थाई को पकड़ेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हेड को
ऊपर की तरफ उठाएंगे, फॉरहेड को नी की तरफ लेके जाएंगे। धीरे से पीछे आ जाएंगे, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, कमर की तरफ पेट की तरफ हम प्रेस करेंगे, सिर को ऊपर और चिन को नी पे लगाएंगे। धीरे से हेड डाउन लेग डाउन, लेफ्ट लेग सेम इसी तरह जैसे हमने राइट में किया है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे अगर आप कंफर्टेबल हैं, फॉरहेड को नी की तरफ लेकर जाएंगे, हेड बैक, फोल्ड योर लेग, हेड अप, चिन ऑन योर नी, हेड अप, head back, leg up, but slowly down. कुछ सांस के लिए यहां रुकेंगे। दोनों legs को fold करेंगे और हम करेंगे cycling. हाथों को कमर के नीचे, fold your legs and slowly start cycling. One, टू, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। थ्री, फोर, फाइव, उल्टा घुमाएंगे, रिवर्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, फाइव। अब हम रिलैक्स करेंगे बटरफ्लाई पोज, पैरों से दोनों पैरों को मिला देंगे, हाथों को थाइस पे रखेंगे और नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, अपना ब्रेथ कंट्रोल करेंगे। दोनों घुटनों को मिलाते हुए अब हम करेंगे सेतु बंधासन ब्रिज पोज, जो हमारी बैक के मसल्स को बहुत स्ट्रांग करता है। दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ेंगे या हाथ नीचे प्रेस करेंगे, श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, टेलबोन को प्रेस करेंगे, फिर से दो बार करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। अगर कंफर्टेबल है तो यहाँ आप तीन से पांच ब्रेथ के लिए रुक सकते हैं, और अगर कंफर्टेबल नहीं है तो धीरे से नीचे आ जाए, टेलबोन को प्रेस करेंगे और धीरे से पॉस्चर से बाहर आ जाएंगे। दोनों हाथों को खोलें। अब हम करेंगे कटी चालनासन, दोनों लेग्स राइट साइड एंड टर्न हेड लेफ्ट साइड, डबल नी ट्विस्ट, यहाँ साइड में तीन से पांच डीप ब्रेथ्स लेंगे, सेम ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और दोनों और हग करेंगे लेग्स को, हेड को ऊपर उठाएंगे, धीरे से सिर को नीचे, लेग्स को नीचे, रिलैक्स करेंगे, कुछ ब्रेथ्स के लिए रुकेंगे। अब एक साइड में टर्न करके ऊपर की तरफ उठेंगे। अब हम करेंगे कैट स्ट्रेच, अगर आपके नीज में प्रॉब्लम नहीं है, पेन नहीं है, तो आप इसे बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हैं। अगर आपको नी पे प्रेशर आता है इसको करने से तो प्लीज इसे अवॉइड करें। इसे कहते हैं कैट एंड काउ स्ट्रेच।
सो अपने शोल्डर एंड रिस्ट को एक लाइन में रखेंगे, हिप्स और नीज को एक लाइन में रखेंगे, लेग्स में शोल्डर विड्थ का अंतर रहेगा, दोनों पैरों में भी शोल्डर विड्थ का अंतर रहेगा। अपने पेट को फैले नीचे की तरफ करेंगे, इन्हेल करते हुए ऊपर देखेंगे, चिन को टेलबोन को सीलिंग की तरफ ले जाएंगे, एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर खींचेंगे, शोल्डर को ऊपर लेकर जाएंगे, इन्हेल अप, एक्सहेल राउंड योर बैक, चिन ऑन योर चेस्ट, इन्हेल अप, एक्सहेल राउंड, इन्हेल अप। इसे 3 से 5 बार करें, एक्सहेल राउंड। ये स्पाइन के लिए बिल्कुल मेडिसिन के जैसे काम करता है। एक्सहेल राउंड, लास्ट टाइम इन्हेल अप, एक्सहेल राउंड। अब सामने की तरफ देखेंगे, अब हम करेंगे टाइगर पोज। अगर आप कंफर्टेबल है, ये बैलेंसिंग पोज है, इसमें आप अपना राइट लेग पीछे लेकर जाएं, अगर आप कंफर्टेबली ले जा सकते, और अगर आप कंफर्टेबल है तो अपना लेफ्ट हैंड भी सामने की तरफ ले जा सकते हैं। जितना कंफर्टेबल है 3 से 5 ब्रेथ्स के लिए रुकेंगे और धीरे से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ पैर करें एक बार में और फिर नेक्स्ट टाइम हाथ आगे खोल सकते हैं। अब लेफ्ट साइड करेंगे, लेफ्ट लेग बैक एंड अप, नी स्ट्रेट, सामने की तरफ देखेंगे, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो राइट हैंड को सामने, यहां भी 3 से 5 ब्रेथ के लिए रुकेंगे, धीरे से नीचे आ जाएं। करेंगे कमर पे पेट पे लेटने वाले आसन, सो अपने पेट पर लेट जाए, इसे कहते हैं क्रोकोडाइल पोज। दोनों पैरों के अंगूठों को टच करते हैं और हील्स को अपार्ट, अपने हाथों से पिलो बनाएंगे और चीक को उसके ऊपर रखेंगे, यहाँ कुछ डीप ब्रेथ्स लेंगे, अब हम यहाँ जो फर्स्ट पोज करेंगे वो है भुजंगासन कोबरा पोज। दोनों पैर साथ में, हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे, फॉरहेड डाउन, श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर आएंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, इसे 2 बार और करेंगे, इन्हेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे, लास्ट टाइम इन्हेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, कुछ ब्रेथ्स के लिए रुकेंगे। अब हम करेंगे सुप्त नौकासन, दोनों हाथ सामने, पैरों को स्ट्रेट करेंगे पीछे, यहाँ पे हम अपना राइट हैंड ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे, नीचे आ जाएंगे, दूसरी साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट लेग, नीचे आ जाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, धीरे से नीचे आ, और कुछ ब्रेथ्स के लिए क्रोकोडाइल पोज में आ जाएंगे। अब हम करेंगे लास्ट पोज धनुरासन, पैरों को फोल्ड करेंगे, अगर आप अपने एंकल्स पकड़ सकते हैं तो एंकल्स को पकड़ के ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो एक साइड में एक बार करेंगे,
राइट हैंड को नीचे रख के लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे लिफ्ट करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे और फिर दूसरी तरफ करेंगे। नीचे आ जाएंगे। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो जस्ट पैरों को फोल्ड करके धीरे से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, पैरों से नीचे आ जाएंगे। कुछ क्षणों के लिए रिलैक्स करेंगे। धीरे से अपने कमर पे लेट जाएंगे शवासना के लिए। शवासना से बाहर आएंगे, धीरे से अपने उंगलियों को मूवमेंट देंगे, टोज को मूवमेंट देंगे, दोनों लेग्स को एक साथ लेकर आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और टोज को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पूरी बॉडी को फाइनल स्ट्रेच देंगे। धीरे से रिलीज, एक साइड में टर्न होकर के बैठ जाएंगे, जैसे भी आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर आप सुखासन में बैठ सकते हैं क्रॉस लेग पोजीशन में तो सुखासन में बैठेंगे। अपना ध्यान अपनी ब्रेथ की तरफ। अब हम फाइनल प्रेयर करेंगे, ओम चांत 3 times। इनहेल पाम्स को रब करेंगे और आईज पे कवर करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, नमस्ते।